जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज है दिन मंडे एंड टुडे इज एकादशी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल विश यू वेरी 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 हैप्पी एकादशी एंड मे राधा फादर गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल लाइफ अहेड। और बस अभी दिन के 2 बज रहे हैं। मैं पहले ही सुबह नहा ली थी, कान्हा जी भी नहा लिए थे और कन्नू को अभी नहलाया है और नहला के मैंने उसको सुला दिया है। उसने फीडिंग भी नहीं की है क्योंकि उसको इतनी मतलब खेल के ऊपर गया था भाभी के घर, वो खेल के थोड़ा सा थक गया था तो सो गया है। एकादशी है, मैंने सुबह सिर्फ चाय पी थी। अब मैं चाय के साथ साबुदाने के पापड़ सेकने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इधर उधर मेरी किचन में ना लाइट इतनी अच्छी अच्छी सन रही तो मुझे दोपहर को लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती। मैं पापड़ इस सेक रही हूँ और साथ में चाय भी बन रही है। ये साबुदाने के पापड़ कान्हा जी भोग लगाइए। हरे कृष्णा। एकादशी फास्टिंग है। एकादशी फास्टिंग होता क्या, मतलब मेनली जनरली हम बात करते हैं मैंने एकादशी रखी है, कई लोग से अपने एकादशी रखते हैं, एकादशी रखते हैं तो कई लोगों को मिथ है एकादशी सिर्फ एजड पर्सन करते हैं और आफ्टर मैरिज मतलब गर्ल को करनी चाहिए। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। एवरी वन शुड ऑब्जर्व दिस एकादशी फास्टिंग। इसमें क्या होता है, आपको फास्ट करना होता है फ्रॉम ग्रेन्स। इस दिन आपको ग्रेन्स नहीं खाने, अनाज चावल रोटी और वो वेजिटेबल्स, दोज डोंट कम अंडर व्रत लिस्ट में, है ना। तो सिरल्स नहीं होते, दालें वाले कुछ नहीं खाने इस दिन आपको। जैसे आप नॉर्मल जैसे नवरात्रि फास्टिंग करते हैं ना, नवरात्रि करते हैं तो वही वाला सिमिलर फास्ट होता है। आप कुट्टू खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, सामक भी खा सकते हैं। सामक राइस, वो एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ राइस, उसका नाम सामक राइस है। साबुदाना खा सकते हैं। हाँ, मेन चीज़ होती है, कई लोगों को ये होता है कि आप तुलसी जी को जल मत चढ़ाओ, इस दिन ये टच मरो करो, ऐसा मत टच करो। हमारे इस्कॉन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तुलसी जी को आप 365 डेज आप जल, आप मतलब जल समर्पित कीजिए। रखिए, खेल रहे हैं पीछे, मेरे को डर लगता है कहीं और ना चल जाए, मतलब टॉयलेट में भी चल जाता है ये लड़का। हाँ, मैं कहाँ थी, तुलसी जी का आप जल अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। आप 365 डेज कर सकते हैं एक्सेप्ट निर्जला एकादशी, क्योंकि उनका उस दिन निर्जल व्रत होता है। निर्जला मीन्स नो वाटर नो ईटिंग, कुछ नहीं, ना खाना ना पीना, ठीक है। निर्जला एकादशी पे आप नहीं देंगे और आप इनको द्वादशी पे आप इनको मत टच करिए, क्योंकि इस दिन ये रेस्ट करती हैं। क्योंकि ये सारा एकादशी वाले दिन ना, ये सारा अपने मनन में चिंतन में हरे कृष्ण महामंत्र में मतलब भगवान को ध्यान में करती हैं, भगवान का ध्यान लगाती हैं। तो इस दिन द्वादशी पे आप इनको टच मत करिए, आप इनकी लीव्स मत तोड़िए तुलसी जी की, ठीक है। एकादशी पे भी नहीं तोड़नी, द्वादशी पे भी नहीं तोड़नी। और दूसरा, जब भी आप इनको मतलब जब भी तोड़नी है ना आपको लीव्स, तो आप क्या करो, आप पहले ऐसे प्रणाम करो, तुलसी महारानी मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर जी के भोग के लिए, मैं तुलसी दल लेने जा रही हूँ, लेने जा रहा हूँ। और आपको इस फिंगर से करनी है क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड मतलब पैशनेट होती है, ये तामसिक होती है, तामसिक फिंगर है। जब भी हम कुछ भी चैंटिंग करते हैं तो इस फिंगर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी फिंगर होगी, ये गॉड से कनेक्शन हमारा डायरेक्ट हो जाता है, इसीलिए आप इस फिंगर से स्टार्ट करिए। काशी होती है, आप नॉर्मली जो रूटीन करते हो कर सकते हो यार, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कहते हैं कई लोगों को ये भी होता है कि एकादशी रख लो यार, बाद में बहुत ज़्यादा मतलब हमारा इतना बजट नहीं बन पाएगा, आप मतलब उद्यापन बहुत बड़ा होता है, इतने पंडित होते हैं, इतना दान होता है। कोई ऐसा लिखा गया नहीं है कि एकादशी में आपको मतलब उद्यापन करना है टिल डेथ। इसका मेन मतलब ये होता है कि मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। एकादशी में क्या होता है, मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। आप एकादशी रखते हो मतलब भगवान खुद आपको बुलाते हैं। एकादशी मीन्स होता है भगवान के मतलब क्लोज टू द गॉड लॉर्ड, तो आप भगवान के नज़दीक हो जाते हो। तो इसमें मतलब कई मिथ्स हैं तो आपको इनको ओवररूल करना चाहिए और आपको रखनी चाहिए। बाकी अगर हेल्थ आपकी अलाउ नहीं करती है तो हाँ, आप मतलब सारा दिन आप
फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स करिए। फास्टिंग मीन्स ये नहीं कुछ नहीं खाना पीना, अनाज नहीं खाना, और तो खा सकते हो, आलू चिप्स खा लो, पटेटो चिप्स हो गया, साबुदाना हो गया। देखो मैं रख रही हूँ, सिर्फ मैंने जापे में जब एक अनुवाद 40 डेज तब मैंने इसको मतलब छोड़ा था, फिर दो एकादशी आई थी उसके बाद मम्मी के घर गई, लॉकडाउन हो गया, तो मैंने ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दी। कई लोगों ने बोला बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ये होगा, कुछ नहीं होता यार, भगवान पे ट्रस्ट रखो, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को स्ट्रांग करो, सब होता है, ठीक है, यही है फास्टिंग। कन्नू क्या खा रहे हो आप? कन्नू कन्नू बताओ, जल्दी बताओ क्या खा रहे हो? किसने दिया आपको ये है? बोलोगे नहीं? ये क्या है? ये इसकी हम बच्चे वाली चेयर लाए, उसको ये नहीं पसंद, उसको बड़ी चीजों पसंद है, झाड़ू पोछा बर्तन। कन्नू को अपॉइंट कर सकते हैं आप झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, मेरे साथ झाड़ू लगाता है आज तो, एक्चुअल में पहले तो हाथ से लगाता था और अब तो झाड़ू पकड़ के लगाने लगे। कन्नू कन्नू क्या खा रहे हो आप? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? लाओ मम्मा को देना, लाओ कन्नू दे दो, देखना क्या करेगा ये। देखो हम मटर छिल रहे हैं, ये मटर के ऊपर बैठ गए और ये मटर के छिलके और मटर वाले दाने वाले मटर को एक साथ कर दिया है। ये देखो बच्चों को पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, बस उनको एंजॉयमेंट चाहिए। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक ले बाय बाय, जय सिया राम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।